नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा और अब हम बात करते हैं जिला बिजनौर के चांदपुर की, जहां से हमारे संवाददाता एसबी गुप्ता से मिली जानकारी के अनुसार चांदपुर नगर पालिका परिषद द्वारा लाखों रुपए की लागत से बनाया गया सामुदायिक शौचालय अपनी देखभाल व साफ सफाई के लिए तरस रहा है। शौचालय में गंदगी के अंबार लगे हैं। गंदगी के कारण कोई भी व्यक्ति सामुदायिक शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहा है। स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए पुलिस कोतवाली चांदपुर के उत्तरी कोने पर नगरपालिका परिषद द्वारा एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया था, जिसमें महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग से व्यवस्था की गई है। शौचालय के बनने के बाद नगरपालिका ने अपना ताला डाल दिया था। समाज सेवी लोगों द्वारा शौचालय का ताला खोले जाने के लिए सोशल मीडिया पर अनुरोध किया गया। काफी प्रयास के बाद यह शौचालय ताला मुक्त हुआ। सामुदायिक शौचालय का हाल यह है कि महीनों से इसकी सफाई नहीं हुई है। अब यह शौचालय रखरखाव और स्वच्छता के लिए आंसू बहा रहा है। लाखों रुपए की लागत से बने सामुदायिक शौचालय के मेन गेट पर घास और गंदगी के अंबार लगे हैं। पुलिस द्वारा पकड़े गए वाहन भी इसी शौचालय के सामने खड़े कर दिए गए हैं, जिस कारण कोई भी व्यक्ति या महिला विशेष परिस्थिति में इस शौचालय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। इस दौरान समाज सेवी वीरेंद्र राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया। राजपूत, मैं आरटीआई एक्टिविस्ट, कोतवाली चांदपुर के पास में एक सुलभ शौचालय बना हुआ है जो नगर पालिका की देखरेख में चलता है। इसमें गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। मैंने इसकी शिकायत एसडीएम महोदय, ईओ महोदय चांदपुर से कई बार की है, परंतु इस पर आज तक ना तो कोई कर्मचारी, सफाई कर्मचारी नियुक्त है, ना ही इसकी देखभाल की जाती है। आज भी कोई व्यक्ति इसमें शौचालय जाने से कतराता है। और इसी के साथ जुड़ रहे हैं बंधन समाचार के साथ।